पूज्य स्वामी वैद्यानंद गिरिजी महाराज, पूज्य स्वामी सनातनानंद जी महाराज, पूज्य जानकी दादी जी, उपस्थित आमर भौणी और भाई बहन, आज शुभ संध्यारे महोदधि निकटरे आम समस्ते एकत्रित होइछे अति प्राचीन अति पवित्र श्री पुरुषोत्तम धाम रे। दादी जानकी कर आशीर्वचन एवं आध्यात्मिक दिग्दर्शन पाइबा पाई आउ अति शुभ घटना जे पूज्य दादी जी सहित आम मध्य पाइले पूज्य स्वामीजी स्वामी प्रज्ञानंद गिरी महाराज क्रिया योग संस्थार आमर कोणार्क जीवा बाटरे पूरी ठू प्राय 10 किलोमीटर दूर रे परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी हरिहरानंद महाराज समाधि स्थान रे सेठारे हरिहरानंद गुरुकुल स्थापना होइछे। पूज्य स्वामीजी तर समय दे आम घर आसज्ञता ज्ञापन करूछ एवं पूरी अन्य पटरे आमर ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा स्थापना होइछे इंटरनेशनल रिट्रीट सेंटर तेना दुई पटे दुई महापुरुषंकर स्थान पूरी होछि महाप्रभुंकर क्षेत्र तेणु जुगे जुगे जेतिकी सब महापुरुष माने धर्म आचार्य धर्मगुरु माने आछंती से माने तांकर पीठ स्थापना करिसंती तांकर प्रचार करिसंती समस्त ही सही महाप्रभुंकर गुणगान करिसंती। ये जो आमर महान संस्कृति ये संस्कृति आमको स्पष्ट भाव दर्शाई दिए जो संसार रे मानव जगत रे वास्तव रे आध्यात्मिकता ही सार पारमार्थिक जीवन चिंताधारा साधना ही सार एवं जो जीवन रे ये उद्यम नहीं ये प्रचेषा नहीं आध्यात्मिक पथरे आगेबापी जो समाज रे ये आध्यात्मिक चेतना र अभाव से ही व्यक्ति एवं से ही समाज वास्तव रे कल्याण नहीं वास्तव रे प्रगति नहीं वास्तव रे शांति नहीं। तेणु भारत रे प्राचीन समय रु वैदिक समय रु विशेष करी ये सिद्धांत स्पष्ट आम देखा पाऊ जे आमर जीवन रे भौतिक प्रगति सहित आध्यात्मिक उन्नति निहाती दरकार जीवन को पूर्ण करिया पाई जीवन रे सुख शांति आणिबा पाई। आधुनिक विश्व मानव समाज रे भारत को देखिबा बा भारत बाहर देखिबा मानव समाज अनेक सुंदर प्रशंसनीय प्रगति करिचाली किंतु ये सब भौतिक स्तर रे किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र रे आम बहुत पछरे पड़ जाऊे आउची प्रत्येक विश्रृंखला प्रत्येक समस्या जहाँ आम देखा पाओ व्यक्तिगत जीवन रे बा सामाजिक जीवन रे यहाँ होची तार मूल कारण ये जो आध्यात्मिकतार अभाव आध्यात्मिक चेतनार अभाव व्यक्तिर जीवन रे आउ समाज रे ताकु पूरण करिया पाई सही परमात्मा परमेश्वर तांकर प्रतिनिधि स्वरूप तांकर संतान स्वरूप विभिन्न समय रे महापुरुष मानको पठाई थांती
मानव समाज को दिग्दर्शन देवाई से भाया कि समय पूर्वे आधुनिक जगत रे से ही आध्यात्मिकतार आवश्यकता को पूरण करने भगवान पठे ब्रह्मा बाबा को एवं तांकर शुद्ध संकल्प द्वारा वर्तमान विश्वर अनेक राष्ट्र रे अनेक स्थान रे ब्रह्मकुमारी संस्था यही आध्यात्मिकतार प्रचार कार्य आगे आमर ओडिशा भितरे तांकर अनेक शाखा अच्छे पूरी शाखा भी आमर निरुपमा भौणीकर शुद्ध पवित्र उद्यम द्वारा यही आध्यात्मिक प्रचार आगे चलती आम समस्त अत्यंत खुशी जे पूज्य दादीजी से लंडन रे तांकर मुख्य कर्मक्षेत्र रही आम जगन्नाथ देश को जगन्नाथ पवित्र पीठ को महाप्रभु दर्शन पाई एत दूर आसी पार्टी तार लाभ आम मैंने आज तर पवित्र बाणी द्वारा पाइबा दादीजी कहते जे अनेक वर्ष पूर्वे छोट बयस से थे आसते चारिधाम दर्शन बेलू श्रीक्षेत्र धाम दर्शन पर आसते आपर आज तक आगमन आसतु आज यही सन्धार दादीजी बाणी एवं पूज्य स्वामीजी आशीर्वचन आम लाभ करी आम आध्यात्मिक पथरे आम आगे जावा महापुरुष गुरु एवं आचार्य उपदेश आम जीवन रे ग्रहण करी एवं जहाँ से मैंने आमको दिग्दर्शन देउचंती ताकु आंतरिकता सहित आम दैनिक जीवन रे पालन करी आध्यात्मिक पथरे आगेले आध्यात्मिक साधन रे आगेले आम महाप्रभुंकर कृपा लाभ करिबा केवल मंदिर को जाई महाप्रभुंकर दर्शन कले हम ना ता सहित महाप्रभुंक कृपा पाइबापी आम कृपा पात्र हवाक हम अर्थात आमर अंतर रे जो सब अनेक वर्ष धरी अनेक जन्म धरी जो अंतर मणि अच्छी आमको परिष्कार करने हम से आमको आध्यात्मिक साधन आगे हम भगवान कृपा द्वारा परमात्मा परमेश्वर कृपा द्वारा आम जीवन रे से ही आध्यात्मिक व्यक्ति से ही आध्यात्मिक सुजोग आसे गुरु उपस्थिति गुरु सानिध्य महापुरुष मान आशीर्वचन द्वारा किंतु आम निजर कर्म उपर निर्भर करे आम निजर उद्यम उपर निर्भर करे जे आम तार लाभ नहीं पार कि ना तेणु आसतु आज सन्धार पूज्य स्वामीजी एवं दादीजी बाणी श्रवण करी आम मैंने समस्ते साधन उद्यम करुचे आसतु ताकू आहुरी दृढ़ भाव आम आगे नवा आमर जी आंतरिकता सहित वास्तव शुद्ध भावना सहित आम साधना आगे चलो से मात्र आम अंतर मणि सफा हम आतीक मात्र आम अंतर मणि सफा हम आम अंतकरण शुद्ध हम से मात्र आम भगवान महाप्रभु परमात्मा परमेश्वर कृपा पाइबा कारण महाप्रभु भगवान से पूरा मापिक दिखती न्याय रे कौन सी त्रुटि न थाए आम बुझीपुना जी आम बास्तव में आम जी जहाँ कहते डिजर्व आम जी बास्तव में पाइबार हकदार आम से ही पाऊ महाप्रभु आमको से कृपा दिखती
तेणु देखा गले रूपा पाई आमको किसी हम आम साधन आमको आगे हम महापुरुष मान साधुसंत मान शास्त्र मार्ग में चल अधिक समय नन आम पूज्य दादीजी चरण से कृतज्ञता ज्ञापन करवा जो से लंडन रु एत दूर रु आसी एठारे आमर पुरी निवासी एवं उत्कल निवासी भक्त मान भाई भी मान दिग्दर्शन एवं से भगवत कथा भगवत तत्व शुणापी सुजोग आप समस्त आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति निम्ते महाप्रभु श्री जगन्नाथ चरण से यह सेवक प्रार्थना करूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरि ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरि ॐ। ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ विश्व शांति की ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ विश्व शांति की ज्योति जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ ज्योति जगाओ विश्व शांति की ज्योति जगाओ। शिव का झंडा ऊंच महान शिव का सदा होगा सम्मान सर्व का पिता वो शिव भगवान शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान शिव का सदा होगा सम्मान सर्व का पिता वो शिव भगवान शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान सब झंडों को एक करे जो वो यह झंडा नारा है इस पर निशान जो। His Majesty King Abdullah of Jordan bestowed on her the Independence Medal of the First Order। वो दादी जी को सारा विश्व में मदर ऑफ द वर्ल्ड सारे विश्व की माँ के रूप में जननी के रूप में जगत जननी के रूप में कैसे अनुभव कर रहे हैं पर विदेही जनक जी रमता योगी हैं किस देश में कहां कहां भगवान उड़ा रहे हैं कैसे दिव्य जीवन उनको दो तीन बार मिला है। आज 90 साल की पूर्ति जन्मदिन यहां भी हम करताली ध्वनि से बहुत प्यार से दादी जी के यहाँ मना रहे हैं। 100 साल नहीं 1000 साल जियो दादी जी हम सब की उम्र भी थोड़ी थोड़ी लग जाए दादी जी और आप ऐसे महान विभूति होकर के हम सब के बीच में प्रेरणा की स्रोत होकर के जगतनाथ की प्रतिनिधि होकर के विश्वनाथ की परमेश्वर की प्रतिनिधि होकर के आप दृष्टि देते रहिए और हम सब की ये सृष्टि को परिवर्तन कीजिए आध्यात्मिकता की ओर बहुत जोर शोर से ले जाइए। दिस इज वन रिवोल्यूशन जो कि विप्लव है आध्यात्मिक विप्लव की सेनानी मुख्य सेनाध्यक्ष हमारी आदरणीय दादी जी को हम सब के बीच में हम आह्वान करते हैं आदरणीय दादी जी। चारों धाम के चक्कर लगाओ परंतु चारों धाम के चक्कर लगाते
मुझे याद है जगन्नाथपुर में 11 साल की उम्र में आई और लगन से आई थी। ऐसे रामेश्वर में भी गई थी जहाँ 24 तला का स्नान करके रामेश्वर जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन मन की अंदर से जो दिल में जो अंदर से अति तमन्ना थी, ऐसा दिन आए जो जैसे हनुमान के अंदर एक राम के सिवा कोई नहीं, मीरा के अंदर एक भगवान कृष्ण के सिवाय कोई नहीं, गोपियों के दिल के अंदर एक भगवान के सिवाय कोई नहीं। ऐसा मेरा दिल अंदर जब तक परमात्मा के प्यार का अनुभव नहीं हुआ है, वो शक्ति का अनुभव नहीं हुआ है, तब तक आत्मा में ये आशय इस जीवन में रह न जाए। भक्ति भी पढ़ते थे सुनते थे तो भक्ति करते रहो करते रहो, हजारों साल करते रहो, एक दिन भगवान मिलेगा। लेकिन अब मिले तो भाग्य की बात है, कब मिलेगा देख रहे हैं, घोर कर रहे हैं, अंधेरा है, पाप भ्रष्टाचार कितना है, कोई कोना दुनिया में नहीं रहा है, सब शांति के बेखाली है, प्रेम के प्यासे लोग। प्यार क्या चीज होता है, दुनिया वाले खुद धोखे खा करके और धोखा देने के भी डर और कुछ करने आता ही नहीं है, तो ऐसी दुनिया में रहते हुए भी ये अंदर भगवान के लिए मेरी अंदर की भावना थी, मैं ऐसे दुखे बाद दुनिया में रहते हुए किसको न दुखा दू, मैं किसके दुखे में आऊ। बहुत बहुत बड़े बड़े महात्माएं साधु सिंध में हमारे बगीचे में आते रहते थे, 5 साधु घर में खाना खावे तब तो बच्चों को खाना मिलता था, लेकिन बाप कहता था किसी को तुम गुरु जरूर करो, मैं कहती मैं नहीं करूँ, मैं माला फेरू या कोई आश्रम में जा करूँ, न गुरु बनने चाहती हूँ न गुरु की चीज कोई चेली बनकर के रहने चाहती, मुझे और एक अच्छी बात जरूरी ये चाहती है जो भगवान से इतना प्यार हो जैसे पांडवों का भगवान से प्यार। गीता पढ़ते ही पहले अध्याय में कौरव पांडव क्या करते हैं, कौरव क्या करते हैं, माया है तो सब कुछ है, पांडव क्या कहते हैं, प्रभु है तो सब कुछ है, मैं कौन हूं, पांडव संप्रदाय की हूँ या कौरव संप्रदाय। आज का जमाना क्या है, मर्तबा है, मान है, माया, पैसा है तो सब कुछ है, पर ये सब भगवान कहते बच्चे ये सब को भी ना समझाना, मनुष्य आत्मा के साथ 4 बातों का संबंध है, शरीर, संबंध, धन, संसार का बात हो रहा। अभी मेरे इस शरीर में होते हुए माता पिता मित्र संबंधी कुटुंब परिवार में होते हुए मैं आत्मा के लिए अविनाशी हूँ, एक परमात्मा के लिए। ये जो गीता में पढ़ते पढ़ते अंदर से आया, भगवान जो कहता है वो मेरे मन में हो, वो दिल में हो, आज अपने मन में चाहे दिल में मेरा एक है, मैं अभिमान न हो, मेरा की अटैचमेंट न हो,
भगवान ने इन दो बातों से छुड़ा दिया तो कहते निश्चय बुद्धि विजय रूप। क्या निश्चय है? मैं कौन हूं? मैं कहने वाली मुखर से मैं कहने वाली मैं कौन हूं? अंदर जाओ, मैं आत्मा ये शरीर संबंध दुनिया से मैं न्यारी हूं और एक परमात्मा। हर आत्माएं अनेक है, हर एक का पाठ अपना है। कोई हमारा दोस्त नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। महात्मा गांधी की प्रार्थना सुनने के लिए हम सिंध में हैदराबाद से कराची जाते थे, लाखों लोग के बीच में उसकी प्रार्थना सुनते थे। बड़ा प्यारा लगता था उसका, त्यागी अहिंसा सत्यता। ऐसा हम आत्माओं के अंदर भी जो आज के दुनिया में रहने वाले ऐसे कोई मनुष्य आत्मा ऐसी हो तो अंधकार को मिटाने वाली हो, न अंधकार में ठोकर खाने वाली हो। कहीं जब मैं गीत भी सुनती नैन इनको राज उठाओ प्रभु बग बग ठोकर खाऊं, तो कहती थी मैं ठोकर खाने से बचने चाहती थी। परमात्मा तो दृढ़ दृष्टि दाता, दृढ़ बुद्धि दाता है। दृढ़ बुद्धि देने वाला वो है, दृढ़ दृष्टि आंख के अंदर ऐसा ज्ञान का नेत्र खुला हुआ हो, दृष्टि में द्वैत भाव न हो, मतभेद जाति भेद रंग भेद भाषा भेद से मैं न्यारी हूं। तो परमात्मा के मैं कहेंगी एक ही परमात्मा, जब एक दो तीन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तीन है, ब्रह्मा विष्णु तीनों का भी पिता एक परमात्मा। पहले हम भी समझते थे शिव शंकर एक है, भगवान ने समझाया शिव के आगे भी शंकर के आगे भी शिव की मूर्ति है। शंकर विश्व की तपस्या में बैठा हुआ है, शंकर असुरों का संहार करने वाला है, शिव बोला नाथ बोला सती सती। आत्मा में अगर परमात्मा पिता की जो माता है, मेरे कहते तो मैं माता से पिता तो हमें, पर अंदर से दे के संबंधों से दूर होके परमात्मा माता है, पिता है, शिक्षक है, सखा है, सतगुरु है। आत्मा इसे देह में है और देह के संबंधों में रहते हुए भी आत्मा को यदि समझ है मेरी असली माता वो है, इतना पावन बना रहे हो, इतना लायक बना रहा है, शिक्षक शिक्षाएं दे रहा है, असली गुरु को छोड़ दरिद्रों को धारण कर तुम्हारा आहार विचार व्यवहार कितना शुद्ध श्रेष्ठ हो। सारा गीता के ज्ञान में भगवान शिक्षा दे रहा है बच्चों को। तो पहले अध्याय से आता है धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र को थोड़ो पर लोग क्या करते हो, और अंतिम 18 अध्याय में नष्ट मोहन से मिलते सके सारे अंदर से मोह नष्ट हो जाए, एक परमात्मा की स्मृति रहे वो है आनंद स्वरूप स्थिति। पहले सुख दुख मान अपमान
निंदा उस्तत हार जीत संसार में रहते हुए उसमें समान रहने की शक्ति आए। दुनिया दुख के बाद दुख देने मेरे जहां तहां से दुख मिलता ही रहता है, और दुख में दुखी न होए और सुख थोड़े में चलाय मान न हो, मान में खुश हो जाए अपमान में दुखी हो जाए। तो भगवान कहते हैं हे आत्मा, दुख सुख मान अपमान निंदा उस्तत हार जीत में समान रहने की शक्ति दे। और किसी को दुख दो मत, दुआएं लो दुख नहीं दो, कोई दुख देवे दुख लो नहीं, दुख देने वाले अच्छी परीक्षा ले लेते हैं पर दुख हरता परमात्मा की संतान हम दुखी नहीं हो सकते। तो ब्लिस किसके पास होगी जो कभी दुखी नहीं होता है। संसार में कई बातें आएंगी, हार भी होगी जीत भी होगी, पर अंदर से परमात्मा सम्मान रहने की शक्ति जो सामने बात आए देखते न देखो उसमें अभ्यास में तो नेचुरल सदा ये रहे आनंद स्वरूप स्थिति में रहने के लिए अंतर्मुखी बनना, एकांतवासी रहना, बोतों के बीच में रहते हुए भी एकांत माना एक के अंतर के गहराई में जाना। ऐसे नहीं घर छोड़ करके जाकर के कहीं ऐसे कितना सत्संग कर रहा है हवन भी कर रहा है पर दुकान में भी जा रही है। ऐसी सच्ची सच्ची याद परमात्मा की जब तक ना अंदर में आई है तो वो आनंद मैं स्थिति उसके लिए भगवान की ब्लेसिंग चाहिए। ब्लेसिंग भी मैंने सारी उम्र में भगवान से मांगी नहीं है। कोई भी माँ बाप है अच्छे बच्चे के लिए आज्ञाकारी बच्चे के लिए वफादार बच्चे के लिए ब्लेसिंग आप ही निकलती है। तो भगवान की आज्ञा में थी भगवान मुझे ऐसा मैं बनूँ। मुझे याद है 60 साल पहले भगवान के आगे संकल्प किया 65 years और पहले होगा भगवान और कुछ नहीं करेंगे, सुपूत बन करके सपूत देने का संकल्प रखा भगवान तेरी आज्ञाकारी बच्चा बन करके लाखों करोड़ आत्माओं के बीच में और कुछ नहीं कर सकूं। लेकिन ऐसा एक मिसाल हो जो किसी को भी ऐसे परमात्मा का प्यारा बच्चा बनना हो तो भगवान कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ तो वो राजाओं का राजा बनाने के लिए हे बच्चे ये राजयोग कर्म योग है हठ योग नहीं है। ये राजयोग मन कर्म इंद्रियों का राजा बनाने वाला है तो मन कर्म इंद्रियों के गुलाम बन ये राजयोग सहज योग है। कोई हठ योग करने की जरूरत नहीं है पर आहार शुद्ध की जरूरत है। आप तुमको पता होगा हम ब्रह्मा को भाई जाए अपने हाथ से पका के खाएंगे पिलाएंगे जब बाहर का कहाँ का भोजन नहीं करेंगे। वाइब्रेशन शुद्ध वाला भोजन हो भगवान को स्वीकार कराया भोजन हो मन में कोई भी अशुद्ध विचार वाले के हाथ का भोजन नहीं खा सकते। जितना आहार शुद्ध है संग अनदोष संग दोष आज बुरी आदतें कहाँ कर दी दुनिया भर में संग से तो भगवान कहते हैं सताई सत्य का संग रो। अब एक तो कोई कंपनी रो अच्छे संग में रखो
अच्छे विचारों की लेन देन करो, ऐसे अंदर जीवन का ऐसा विशाल बनो तो दूसरों को भी ऐसे जीवन बनाने के लिए अंदर से प्रेरणा मिले। मैं भी ऐसे जीवन बनाऊं जिसमें दुख का नाम निशान न हो, सच्चा सुख, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम सेवा, सेवा का भी कोई अपमान हो, मैंने ये किया या मुझे करना है, सेवाधारी रहना ईश्वरी सेवा में, ईश्वर पिता के याद में रहना, माता है, पिता है, शिक्षक है, सखा है, मेरा सखा कौन, सुधामा का सखा कौन था, एक ही परमात्मा क्या, वही सतगुरु कहता है तो मेरे मत पर चलो तेरा कल्याण हो ही पड़ा है। तो शिव परमात्मा है हम सबका कल्याणकारी, भोलानाथ वरदाता बाप, तो आशीर्वाद तो क्या वरदान देता है बच्चे, अनुभव ऐसा लाइफ के अंदर, तो बच्चे जो तुम संकल्प करेंगे ना हो जाएगा, हो जाएगा। कई बार ब्रह्मा बाबा के सामने मैं गई हूँ, बाबा मेरा ये भी संकल्प बच्ची हो जाएगा, तो आज ये भी मैं वंडर देख रही हूँ, 3 दिन में मुझे कैसे वहाँ छुट्टी दे दिया, सारे फॉरेनर्स वहाँ बैठे हुए गौन प्रभु में, संकल्प आया मैंने कहा, और ये हमारी सदाई भावना है जो करना है अब कर ले, कल किसने देखा, कभी नहीं कहेंगे हम कल करेंगे, जो अच्छा काम करना है अब कर ले, कौन करेगा, मैं करेंगी, कैसे करेंगी, भगवान करेगा, मेरे बात समझा, जो कार्य अच्छा न काम का काम जो जरूरी नहीं, मैं करेंगी भी नहीं, मुझे कोई कराएगा भी नहीं, अपने छूट जाएंगे, कहेंगे ये तेरा काम नहीं है, कोई भी साधारण काम नहीं कराएंगे, अपने आप छूट जाएंगे, जो अंदर भावना है कर्म ऐसा हो जो अन्य को का भला हो, संकल्प ऐसा हो जिसमें अंदर से मेरे को परमात्मा की शक्ति भरी हुई हो, तो ये कई बार अनुभव हुआ है, तो जो पहले हमारी शरीर के तबियत अनुसार भी ऐसा नहीं है जो मैं कहाँ भी भाग दौड़ कर सब कहीं भी माया पास की होगी, और शक्ति परमात्मा को इतनी अनेक बार अनुभव हुई है, सिर्फ संकल्प आता है भगवान जो करना है उसमें अब करने को तैयार रहती है, जो कुछ अच्छा काम कराने के लिए एवरेजी एक्यूरेट रहना और आराम, जहाँ आवश्यकता हो मैं हाथ जोड़ने '91 में शरीर ऐसा था, मैंने समझा कर मेरा शरीर ये नहीं रहेगा, लेकिन परमात्मा बाप की तरफ से इशारा मिला, ये शरीर तुमको साथ देगा, तुम चिंता मत कर, हम पासपोर्ट खिलाफ कर दिया, लेकिन आज 15 साल हो गया, 15 साल से शरीर इतना अच्छा काम करता है, अच्छा काम जहाँ जितना चाहे, आज कौन से कहाँ अमेरिका हूँ या ऑस्ट्रेलिया हूँ या इंग्लैंड में हूँ कहाँ हूँ मुझे पता नहीं है, पर तो भगवान कहता है जहाँ आवश्यकता है, 91 में कहा जहाँ आवश्यकता है वहाँ तो बहादुर होना पड़ेगा, तो आज आप लोगों के सामने हाथ जोड़ देते, मुझे इतनी खुशी हुई है कि 2 दिन के अंदर आप लोगों ने भी इतनी मेहनत करके, आप कितना मेहनत किया है, मैं देखा पोस्टर बनाए ये किया, ये कोई हम इसलिए नहीं आई, आप इतनी मेहनत किया है, लेकिन ये मेहनत का फल भी बड़ा मीठा, आज बड़े थोड़े बैठे हैं ना, कल हम गुजरात में थी, सुबह को 8,000 लोग थे और दिन में 15,000 लोग आ गए थे, वो भी वहाँ पर भी थोड़ा दिन में ही कह रहा था अच्छा आप लोग बहुत इच्छा है हम आ जाएंगे, तो ये भी जो भी जिसके भाग्य में है अभी ये टाइम ऐसा है, बता देती हूँ
जितना भाग्य बनाना हो, एक हाथ में भगवान, दूसरे हाथ में भाग्य। भगवान कहता है मैं भाग्य विधाता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तुम ऐसे कर्म करो जो औरों का भाग्य बिगड़ न जाए। कर्म ऐसे कर्म, कर्म से भाग्य है। भगवान ऐसा कर्म हमारे कराए जो अनेकों का भाग्य जग जाए, तो हम कौन हो जाएंगे? पद्मा पदम भाग्यशाली। इसलिए पद्मा पदम भाग्यशाली हो। कदम कदम में भगवान कहते पदम, जहाँ कदम रखेंगे वहाँ सबकी कमाई होंगी। तो ये अपना श्वास, श्वास उचलता है वो भी परमात्मा की याद में हो, संकल्प बड़ा शुद्ध शांत हो, और समय सफला हो, तो ऐसे भाग्यवान वो जो अपना श्वास संकल्प भी सफला करे। ऐसे संकल्प, संकल्प से दो मिनट कहती हूँ, आप ऐसे साइलेंस में बैठो जो आज की घड़ी आपको कभी भूलेगी नहीं। भगवान कहते हैं बच्चे, और मुझे कुछ तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको ये बता देती हूँ, हमने लाइफ में तीन बातों का अनुभव किया हुआ है। हिम्मत बच्चे की, मदद भगवान की, हजार गुना भगवान की मदद है, पर हिम्मत कभी नहीं छोड़ी है। दूसरा, सच्ची दिल पर शायद राज है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, हमें सच्ची दिल चाहिए। तीसरा, हमारी नियत साफ पूर्वाभास है। आप ये तीन बातों को लाइफ में रखेंगे तो ब्लिसफुल रहेंगे, बैलेंस रहेगा, ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। मांगनी नहीं पड़ेंगी, लेकिन ये भी बता देती हूँ, पहले पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी बनी तो मेरे बचपन में तो वैराग्य तो था संसार में, पर क्या क्या लाइफ होंगी मुझे पता नहीं था। बाबा ने सिर पर हाथ रखा, तभी हमारी उम्र 21 साल की थी, आज दिन तक सिर पर हाथ, यानी बच्ची कोई प्रकार का ख्याल मत कर, भगवान का तेरे सिर पर हाथ है, तो अपने सिर पर भगवान का हाथ उसके सिर पर है, जो सिर माथे पर, कोई बोझा नहीं रखता, कोई पाप कर्म नहीं करता, कोई दृष्टि खराब नहीं करता, सबके लिए भला सोचता, तो सब भगवान का हाथ मेरे हाथ में है, भगवान मेरा साथी है, और मुझे क्या करने का है? संसार में रहते न्यारा और परमात्मा का प्यारा रहना है, न्यारा, सबसे न्यारा, कोई मेरा नहीं है, तो सबसे न्यारा सब हमारे हैं, मेरा कोई नहीं है, सब हमारे हैं, एक ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे अंदर से दृष्टि, वृत्ति, बोल, चलन और कर्म से भगवान कहते हैं तुम मेरे सच्चे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। ओम शांति। तो सुना, अंदर से मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, बस। और कोई भी संकल्प को अंदर से आने नहीं दो, आया हुआ हो बाहर निकाल दो। तो शांति ये मेरा स्वधर्म है, शांति का सागर मेरा परमात्मा पिता है, घर हमारा शांति धाम है, अभी जाना है, नाटक में पाठ पूरा हुआ है, अच्छे कर्म किए हुए हो वो संस्कार साथ में ले जाना है। तो हम कहेंगे हमारे जैसा भाग्यशाली है, पर हमारे संग में जो आने वाले परमात्मा के प्यारे बच्चे, वो भी ऐसे आज के संसार में सच्चे बच्चे परमात्मा के बने, तो वो कहेंगे तो हमको आज के संसार में हमने भगवान ने मेरा उद्धार किया, सबका उद्धार, सबका कल्याण, चिंतन में रहो और कोई चिंतन में न हो, चिंता कोई बात की न हो,
कौन होंगे, किसके होंगे, एक के है वो हमारे। मिठी प्रज्ञा बहन जी, जीवन में विशेष योग की अनुभव की बात हम सबको सुनाते हुए अनुभव बनाएंगे। स्टेज पर विराजमान महानुभाव और आप सभी प्रभु प्रेमी आत्माएं, आप सभी को देख करके मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि बहुत थोड़े समय के अंदर आप सबको ये जानकारी मिली कि परम आदरणीय दादी जी आपके जगन्नाथपुरी में आ रही है और आप सभी इकट्ठे हो गए। मेरा एक बहुत ही सुंदर अनुभव है कि कैसे मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग का अनुभव हुआ और कैसे मुझे पहचान मिली। बहुत ही बचपन से भक्ति के संस्कार हमारे अंदर डाले गए थे और भगवान की प्राप्ति की एक इच्छा बचपन से ही रही थी, लेकिन कैसे भगवान मिले ये कोई पता नहीं था। लेकिन जब हमें अपने घर में ही मंदिर था और मंदिर के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ और देवी देवताओं के फोटो थे, तो मैं जब पूजा करती थी तो मेरे मन में एक प्रश्न जरूर उठता था और मैं मेरी माँ से पूछती थी कि इसमें से बड़ा कौन है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, राइट से शुरू करूँ या लेफ्ट से शुरू करूँ। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था कि कौन बड़ा है। लेकिन कुछ सालों के बाद मेरी माँ को जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय हुआ और उनको ये पता चला कि सर्व आत्माओं का पिता कौन है, परमात्मा कौन है, और उन्हों को जब ये पता चला तो उनको बहुत खुशी हुई कि मेरा ये बचपन का प्रश्न था कि परमात्मा कौन है, इसका जवाब मैं उनको दे सकूंगी। और
अनुभव रहा हमेशा ही कि हम हमेशा सोचते हैं कि परमात्मा को पाने का बहुत बड़ी बात है। परमात्मा इतना आसानी से नहीं मिल सकता है, ये हम सबका अनुभव रहा है। लेकिन जब सुनते हैं कि भगवान भक्ति का फल देता जरूर है, लेकिन कैसे देता है और कब देता है ये नहीं मालूम था। लेकिन जब यहाँ आए तो ये अनुभव रहा कि कैसे भक्ति का फल परमात्मा स्वयं आकर के देते हैं। क्योंकि आज तक हम आत्माओं ने यही किया है, मूर्ति सामने रखी, मंत्रोच्चार किया, माला हाथ में उठाई, लेकिन मन परमात्मा में कैसे लगे ये कभी हमने अनुभव नहीं किया। क्यों अनुभव नहीं किया? क्योंकि सिर्फ भगवान की बातें मुख तक रही। गाते जरूर आए हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, लेकिन भगवान के साथ ये संबंध का अनुभव नहीं था और उसके कारण हम भगवान से बहुत दूर रहे। भगवान भगवान कह करके हम भगवान से दूर रहे, लेकिन जब पता चला कि स्वयं परमात्मा ही हमारे माता पिता हैं, तो वह संबंध के आधार से उनका अनुभव करना बहुत सहज हो जाता है। अभी आइए, आज के लिए विशेष आकर्षण हमारे भगवत आशीर्वाद और भगवत आनंद की संध्या जो अनुभव कर रहे हैं, उसकी ऑनरेबल स्पीकर हमारे पूज्य परमहंस प्रज्ञानानंद जी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ प्रज्ञान मिशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ क्रिया योग इंस्टीट्यूट फ्लोरिडा मियामी, और आज विशेष भाग्य की बात है, जगन्नाथपुरी में और गजपति महाराज बता रहे थे, हम सब तो अच्छी तरह जानते हैं, हरिहरानंद गिरि जी के स्वामी जी के जो विशेष हरिहर गुरुकुलम हरिहरानंद गुरुकुलम आश्रम है, वहाँ पर जो विशेष एक साल के लिए सेंटिनरी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें विशेष सेवार्थ हमारे भाग्य से स्वामी समर्पणानंद गिरि जी, जो हमारे बड़े भाई जी हैं, पूज्य हैं, वो तो विशेष सेवा में हैं, और आज उनको निमित्त बनाते हुए भगवान स्वयं बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर जो ये कार्यक्रम, उसमें भी हमारे स्वामी जी भी लक्कीली यहाँ प्रेजेंट थे, परमहंस प्रज्ञानानंद जी, वो तो विशेष विदेश में भी रहते हैं, और दादी जी को भी कहाँ सुने हैं, और आज भी यहाँ पर सुन करके बहुत प्यार से सम्मान के साथ वो भी सम्मान व्यक्त करते हुए पहुँचे हैं, पधारे हैं। अभी आइए, उनसे भी कुछ विशेष वरदानी बोल और आशीर्वचन सुनेंगे। ऑनरेबल स्पीकर पूज्य परमहंस प्रज्ञानानंद गिरि महाराज। सम्मुखरे समुद्रर तरंग पृष्ठ भागरे नीलाचल निवासी जगन्नाथ महाप्रभु मझिरे बसचे आमे ए पवित्र संध्यार ए दिव्य सत्संग जहांकर सान्निध्य पाइबा पाई आमे समस्ते एकत्रित तपस्विनी साधिका मातृस्वरूपिणी पूज्या दीदी जानकी माँ गजपति महाराजा अन्यान्य कर्मकर्ता वृंद, व्यक्ति जीवन रे परिवर्तन नहले समाज रे परिवर्तन हब नाही। व्यक्ति जीवन रे परिवर्तन आनिबा पाई चारित्रिक शुद्धि आचरण शुद्धि एवं अंतर जगत रे मनर शुद्धि चरित्रर शुद्धि आचरण शुद्धि पाई साधना करिबा को हेले
जे घर द्वार छाड़ी जावाक हबनी निज घर को मंदिर करी हब निज जीवन को एक साधक साधिकार जीवन करी हब निजर आचरण निजर स्वभाव को भगवत मुखी करी हब सेथिपाई टिके टिके चेष्टा आम मानक मध्यरे से शक्ति अच्छी से शक्ति को टिके फलवती करिबा पाई संकल्प को दृढ़ करिबा पाई निजर स्वभाव परिवर्तन करिबा पाई टिके टिके चेष्टा दरकार भगवानंकर असीम करुणा ये सृष्टि रे आम मानू तांकरी पाख को टाणी नवापाई केमिति पठाई जमी आम ये बसीचे जो मैंने राजयोग अभ्यास निजर आत्म विकास पाई आत्म अनुभूति पाई परम पिता परमात्मा सहित योग सूत्र स्थापन करने आप चेष्टा कर आम मानक मध्यरे से शक्ति अच्छी से शक्ति को टिके फलवती करिबा पाई संकल्प को दृढ़ करिबा पाई निजर स्वभाव परिवर्तन करिबा पाई टिके टिके चेष्टा दरकार भगवानंकर असीम करुणा ये सृष्टि रे आम मानू तांकरी पाख को टाणी नवापाई केमिति पठाई जमी आम ये बसीचे जो मैंने राजयोग अभ्यास निजर आत्म विकास पाई आत्म अनुभूति पाई परम पिता परमात्मा सहित योग सूत्र स्थापन करने आप चेष्टा कर समग्र विश्व अगणित नर नारी ये आध्यात्मिक तत्व साधनार कथा साधनार बार्ता शुणापी व्यग्र ही रही आम निज जीवन को बदल आहार विहार परिवर्तन नहले चंचल मन स्थिर हम ना समुद्र जमी तरंग छुटी मनोरूपक समुद्र तरंग छुटी चिंतार तरंग से चिंतार तरंग को अतिक्रम न कले प्रशांत महासागर अनुभूति हेबना समुद्र कूल ठिया केवल तरंग को देखने हेबना से समुद्र प्रशांत मध्य भाग को जीवा पड़े से शांतिर समुद्र आत्मा जो गले आम जीवन से शांतिर अनुभूति हम आमर दृष्टि आमर बाणी आमर आचरण पवित्र हम केवल कथार नुह काम समस्ते टिके टिके साधना करिबा आमे बदलिले समाज बदल व्यक्ति परिवर्तन रे समाजर परिवर्तन ए धरा स्वर्गधाम रूपांतरित हम भगवान को निकट रे इतिके प्रार्थना आम मानकर हृदय से भली शक्ति आसु आम चित्तरे से भली ज्ञानर प्रदीप प्रज्वलित हो जो ज्ञानर प्रदीप सामान्य असुविधा बा संकटर वायु रे लिभिजीव ना बरम दाबाग्नि भली जलिबो से ज्ञानर प्रदीप से ज्ञानर ज्योति से शांतिर स्पर्श आम भितर को आसु एतिके प्रार्थना समस्तंकर मंगल हो समग्र विश्व रे शांति हो ओम शांति। अच्छा तो दादी जी के हस्त कमल द्वारा सम्मान देते हुए बहुत प्यार से हमारे दादी जी परमहंस प्रज्ञानानंद जी को ये एक छोटी सी शॉल
भेंट करेंगे सम्मान और स्नेह के संतप के रूप में। स्वामी जी प्यार से स्वीकार करें। परमहंस प्रज्ञानंद गिरी महाराज जी राधने जी सब करता है हमें से बहुत ईश्वरीय आनंद के साथ भगवत आनंद के साथ। स्वामी जी भी विशेष आशीर्वाद दादी से ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हैं और विशेष दादी की तरफ से भी ज्ञान रत्नों की भंडार दादी बहुत प्यार से गिफ्ट विदेश से लंदन से ले आए हैं। हमारे गजपति महाराज श्री दिव्य सिंह देव जी वो तो ईश्वरीय परिवार के बहुत स्नेही हमारे दादियों के बहुत नजदीक स्नेही विशेष आत्मा है। दादी जी अभी के राजन क्या महाराजन क्या गजपति जी क्या भविष्य विश्व में सत्युगी विश्व में विश्व महाराजन श्रीमन नारायण और श्री लक्ष्मी जी की हमारे रानी साहेबा जी उनकी भी और गजपति जी की भी दोनों की भविष्य की स्वरूप क्या होगा वही स्नेह का उपहार दादी जी अर्पण कर रहे हैं और सॉल पहना करके सम्मान दे रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ आज जो अभिनव कार्यक्रम जहाँकि मंचासीन परम आदरणीय दादीजी एवं सम्मानित अतिथिवृंद एवं मो सम्मुखे आपण माने प्रभु प्रेमी भाई भौनी समस्तंकर सहयोगरे जो कार्यक्रम आज सफल हला सेथिपाई प्रथमे तो आमे धन्यवाद दबा सेई परम पिता विश्व नियंता से निराकार ज्योतिस्वरूप परम ब्रह्म शिव बाबा को जहाँकर प्रति मुहूर्तर प्रेरणा एवं तांकर प्रत्यक्ष सहयोगरे आमे समस्ते निश्चित भाव सफलकामी हो था तेणु आज ये अवसर से ही प्रभु पिता को बहुत बहुत धन्यवाद एवं निराकार परम पिता शिवंकर जो साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा जी कि सूक्ष्म वतनवासी ही अव्यक्त वतनवासी ही आज ये सब कार्य आम को सहयोग दे सफलता को प्राप्त करी पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा को मध्य बहुत बहुत ईश्वरीय विश्वविद्यालय भाई भौणी मानक तरफ आपण मान तरफ धन्यवाद अर्पण कर आज शुभ सन्धार आम गण में जो विशेष आकर्षण भाव आमर परम आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी जो कि हमारे अंदर हमारे बीच आकर के बहुत हजारों माइल से दूर से आकर के पहुँचे हैं और हम सबको उनके आशीर्वचन दे करके कृतकृत किए हैं और हम सभी उनको पाकर इतना खुश है और जो भी यहाँ सब आए हैं दादी जी की यहाँ पधारमणि हम सबको इतना खुशी आनंद दिया है इसके लिए दादी जी को बहुत बहुत हमारी तरफ से पूरी निवासियों की तरफ से और सभी जो आश्रम के भाई बहन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब उनके पर आभारी भी है। हमारे बीच जो गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव जी जो कि जे कि आम कार्यक्रम आसी सबुबले पहुँचती एवं तांकर जो बाणी सी भी मध्य आपण माने अनुभव करथबे केते गुरुत्वपूर्ण एवं आध्यात्मिकतार परिपूर्ण तेणु एभली महानुभव जे कि आम ग्रहण राशि आमर कार्यक्रम को चार चांद लगौंती आम अनुष्ठान तरफ बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक धन्यवाद। पूज्य प्रज्ञानंद गिरी महाराज जे कि विदेश सेवारे रही सौभाग्यवशत से पुरी को किसी कार्यक्रम पर आसी एवं आम निमंत्रण तुरंत स्वीकार करी आम गहन से उपस्थित रही
आमको जो ओजस्वी अल्प समय कि प्रवचन देले एवं अनुप्राणित कले से श्री महाराज को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण एवं आम दादीजी सह जो प्रवीणा बहन जी जो कि माउंट आबू से इतना कष्ट स्वीकार करके पहुँचे हुए हैं और हमको ये मौका दिया है दादी जी को यहाँ आने का, इसके लिए पूरी निवासी भाई बहन की तरफ से हम उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। ब्रह्मा कुमारी नीलम बहन जो कि हमारे उड़ीसा में है, बहुत समय से जब से उड़ीसा में सेवा केंद्र खुला है कटक में 73 में, उस समय से और सेवा में है और चारों तरफ सेवा करके अभी नवरंगपुर और उनके संबंधित जो सेवा केंद्र है सेवारत है और हमारे बीच तुरंत पहुंच करके जो आप लोग को कुछ सुनाया ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में और उसके कार्य संबंध में, उनके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी आपके सम्मुख में जो मंच परिचालना करुचंती आमर निरुपमा भौणी, सी आपण मानकर अति प्रिय भौणी एवं तांकर एठी ही पुरी रे से सेवा करिसंती प्रथमरु एवं वर्तमान सुधा अछंती चाकरी जीवन मध्य छाड़ी वर्तमान पूरा ए ईश्वरीय सेवा रे की से हिचंती लागिसंती एवं तांको आपण माने समस्ते जानिसंती सेथिपाई से ए जो प्रयास करी दादी को तांकर संकल्प आधार रे एठी आसी आणिक पहुँचे चंती ए भी कम गौरव कथा नुहे, तेणु मुझे मो तरफ आम भाई भौणी मान तरफ डॉक्टर निरुपमा भौणी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करेषे आपण मैने समस्ते विशेषकर सांबादिक भाई भौणी मैने इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रिंट मीडिया एवं आमर जो होटेल भाई मैंने आमको ये साय कर लाइट माइक इत्यादि से मध्य मु विशेष भाव